बैतूल जिले के तिचोली नगर में 4 घंटे देरी से 5 बजे पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल, साथ सांसद दुर्गा दास, उनके विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे, पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल चिचोली नगर पहुंचे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भाजपा कार्यालय का शुभारंभ कर करोड़ों रुपए के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मंत्री कमल पटेल ने कहा, अब सत्ता परिवर्तन कर गांव गरीब को हक दिलाने आए हैं। मोदी जी के सपने का भारत सबका साथ सबका विकास हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर मैं करूंगा। किसान का बेटा हूं, खेती बाड़ी सभी जानता हूं। किसानों को लाभ पहुंचाने का कार्य मोदी सरकार ने किया है। तीनों बिलों को कांग्रेस ने बार बार बोलकर किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। किसान समझ गए इनको जो वास्तव में कृषि लाभ का धंधा बनेगा। वहीं शाम 7 बजे मलाजपुर मेला पहुंचकर गुरु साहिब बाबा की समाधि स्थल पर जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेला समिति के सदस्यों, ग्राम सरपंच के साथ महंत चंद्रचूड़ सिंह बाबा के साथ मंदिर स्थल पर माथा टेका और मलाजपुर मेला भूतों का मेला का शुभारंभ कर शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने प्रशासनिक अधिकारी आपके घर आएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। चिचोली से सुरेंद्र बामने की रिपोर्ट। मैं विधानसभा में हमेशा लड़ता था, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, कि किसान की जब फसल खराब होती है उस समय किसान को राहत के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। उद्योगपतियों को लाखों करोड़ का सब्सिडी अनुदान, लेकिन किसान की फसल खराब होती है तो 4 रुपए, 40 रुपए, 80 रुपए से ज्यादा कभी नहीं मिला, और इसलिए किसान की खेती घाटे की।